नमस्ते, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्य। यूपी में निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच शहर इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसकी वजह है योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और इलाहाबाद की दक्षिण सीट से विधायक नंदगोपाल गुप्ता उर्फ नंदी। पहले तो नंदी की पत्नी और दो बार से मेयर चुनी जा रही अभिलाषा गुप्ता का टिकट पार्टी हाईकमान की तरफ से काट दिया गया। उसके बाद विपक्षी नेता और 2022 के चुनाव में नंदी के खिलाफ सपा से लड़ चुके रईश चंद्र शुक्ला को भाजपा में शामिल करा लिया गया। इसके बाद नंदी का दर्द छलक आया। उनकी तरफ से जारी हुए स्टेटमेंट में उनकी उपेक्षा किए जाने और पार्टी के भीतर साजिश रचने जैसी गंभीर बातें कही गईं। उन्होंने विपक्षी नेता को भाजपा में शामिल कराए जाने को पार्टी की नीतियों और मूल्यों के खिलाफ भी बताया। इलाहाबाद शहर में नंदगोपाल नंदी और उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता की पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जाती है। खुद नंदी शहर दक्षिणी सीट से विधायक चुने जाते हैं जबकि अभिलाषा गुप्ता वहां से दो बार की मेयर रह चुकी हैं। नंदी फैमिली की इलाहाबाद के हर वर्ग और समुदाय में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। खुद अभिलाषा गुप्ता शहर के चौक चौराहों मोहल्लों में जाकर समस्याओं के निवारण में एक्टिव भी रहती हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए इनकी नाराजगी झेलना फायदे का सौदा नहीं होगा, वो भी ऐसे हालत में जब समाजवादी पार्टी ने अजय श्रीवास्तव के रूप में एक कायस्थ उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। पत्नी अभिलाषा गुप्ता का टिकट काटे जाने और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेता रईश चंद्र शुक्ला को भाजपा में शामिल कराए जाने से नाराज नंदी ने अगर मेयर के चुनाव को लेकर मैदान से दूरी बना ली तो यह अखिलेश यादव के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, जिन्होंने कायस्थ प्रत्याशी को उतारकर तुरूप का इक्का खेला है और भाजपा के गणेश चंद्र केसरवानी के लिए यहां पर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। आप देखते रहे नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। शुक्रिया।